अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल फूडी। आपका होस्ट दोस्त आपकी फिर से खिदमत में हाजिर है भाई। न्यू डे और न्यू कुजीन या न्यू खाना आपके लिए लेकर आ चुके हैं भाई। आज जो डिश हम ट्राई करने वाले हैं खास तौर पे भाई, वो साइड डिश की तौर पे बहुत से लोग खाते हैं, और जैसे कि आप थंबनेल पे देख चुके, आज हम ट्राई करेंगे जैकेट पोटैटोस। इंग्लैंड में उसको जैकेट पोटैटोस करके नाम देते हैं। नॉर्दर्न अमेरिकन साइड पे चले जाओ, कनाडा, यूएसए, वहाँ पे बेक पोटैटोस कहते हैं। कोई साइड डिश में लेता है अपने स्टेक के साथ, कोई उसको यहाँ पर इंग्लैंड में उसको ज़्यादा सेलिब्रेट मतलब खाया जाता है उसके साथ, क्या बोलते हैं, एज अ मेन डिश खाया जाता है। और ज़्यादातर मतलब जिनको लंच में थोड़ी हल्की खुराक करनी होती है तो वो प्रेफर करते हैं कि यार एक जैकेट पोटैटोस ले लेंगे तो हो जाएगा। ओवरऑल वो कोई हल्की खुराक होती नहीं, क्योंकि यहाँ पर डेढ़ उसका बनता है जैकेट पोटैटो, मतलब एक फुल पोटैटो होता है और एक हाफ होता है। उसको कट करके उसके ऊपर फिलिंग्स डिफरेंट डाली जाती है। अगर आप टर्की वगैरह जाएंगे तो आपको कुम्पिर मिलेगा, उसमें और मज़ीद डिफरेंट टॉपिंग्स, डिफरेंट सॉसेस वगैरह जाते हैं हर जगह। मतलब जैकेट पोटैटोज़ बन रहा है इस वक्त, रशिया चले जाएं आप, फ्रांस चले जाएं, नॉर्थ अमेरिका साइड पे चले जाएं, जिधर भी चले जाएं तो बेक पोटैटोज़ कह लो, जैकेट पोटैटो कह लो, अपने अंदाज में लोग बना रहे हैं, अपनी कंट्री के हिसाब से, अपने लोगों के हिसाब से जो जो पसंद कर रहे हैं। इंग्लैंड में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो हमने सोचा कि भाई यहाँ पर भी ट्राई किया जाए और आपको भी दिखाया जाए कि भाई जैकेट पोटैटो इंग्लैंड में कैसे बनता है और इंग्लैंड में कितना ज़्यादा उसको पसंद किया जाता है। तो खैर आज हम जाएंगे एक जगह पर, वो क्लेम करते हैं कि बेस्ट जैकेट पोटैटो इन अ टाउन, तो हम देखते हैं कि भाई वो कितने बेस्ट हैं और बाकी उनका खाना भी ट्राई करेंगे जैकेट पोटैटो उनके डिफरेंट टॉपिंग में, और आपको दिखाएंगे कि भाई कितने हैं उन लोग बेस्ट। चलें भाई फिर मेरे साथ। ओके भाई, कीतली आ चुके हैं और यहाँ पर एक मार्केट है इनकी कीतली की, और ना इधर ये लोग बेस्ड है। अभी जाते हैं भाई चेक करते हैं। वैसे ये जैकेट पोटैटोज वगैरह ना मार्केट्स वगैरह में भी ज़्यादातर बिकते हैं, क्योंकि लोग आते हैं शॉपिंग करने तो सोचते हैं कि भाई हल्की फुल्की गिज़ा खा लें, तो चले जाते हैं भाई जैकेट पोटैटो खाने। खैर भाई चलते हैं हम मार्केट के अंदर और आपको दिखाते हैं आदम स्पेंट्री के जैकेट पोटैटो। चले भाई फिर। हाँ भाई, हम आ चुके हैं। ये छोटा सा एक मतलब लोग ने छोटी सी सिटिंग बनाई हुई है इधर ही, वैसे लोग टेकआउट वगैरह इनका ज़्यादा जाता है, और छोटी मोटी सिटिंग में क्योंकि मार्केट के अंदर है, यहाँ पे छोटी मोटी मार्केट्स होती हैं यूके में जहाँ पे ना बहुत ओल्ड बनी हुई, जहाँ पे लोग अभी भी आते हैं शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। वैसे ज़्यादातर आजकल पता है जेंजीज वगैरह तो आजकल मॉल्स वगैरह ही जा रहे हैं मिलेनियल्स भी बल्कि, लेकिन खैर बाकी इन लोग ने मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी मतलब वो की हुई है, एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई, क्योंकि ज़्यादातर लोग आते हैं लोग मार्केट में, क्योंकि मार्केट जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम ये मुश्किल से 1-2 बजे के बाद सन्नाटा हो जाता है और 5 बजे बिल्कुल बंद हो जाती है। तो इनकी मार्केट ही मतलब इनकी बिज़नेस के ओवरऑल जो मार्केट है वो यही है कि भाई लोग आते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह भी करते हैं, जैकेट पोटैटो वगैरह भी खाते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें इनके पास होती हैं जो लोग खाते हैं, तो इसी टाइम पे जो मतलब लंच के दरमियान वगैरह में खाई जाती है वही होती है। तो भाई फिर खाना ऑर्डर किया, खाना आना आता तो बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 4 जैकेट पोटैटोस आ चुके हैं। ये हमने करवाया हनी चिली चिकन और साथ में चीज़, ये हमने करवाया है चीज़ एंड बीन्स विद गार्लिक बुठा, और ये हमने करवाया है टूना मेयो विद चीज़, और ये हमने करवाया है बीन्स एंड स्पाइसी कोल्सलो के साथ। भाई 2 टॉपिंग आप करवा सकते हैं, आई थिंक इसका 2 फिलिंग्स फॉर 575 करवा सकते हैं आप, और अगर 90 पे एक्स्ट्रा डलना है तो 3 भी करवा सकते हैं। खैर भाई सबसे पहले द ओजी चीज़ एंड बीन्स को हम लेते हैं और ट्राई करते हैं। भाई इसका जो आलू भी होता है ना, आलू दिखाएं भाई, आलू भी डिफरेंट होता है, नॉर्मल आलू नहीं होता है जो मतलब हम लोग घरों वगैरह में लाते हैं ना, वो आलू नहीं होता है, इसका आलू भी डिफरेंट होता है, ब्रिटिश पोटैटोस को भी कहते हैं ज़्यादातर लोग। ओए होए 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 भाई, सही से चीज़ थोड़ी बहुत मेल्ट हो ना, थोड़ी आए, आए हाय हाय हाय, इसको डालते भूने। वाओ भाई, आलू की जो हल्की सी मिठास होती है वो आ रही है, बेक बीन्स जो भाई ब्रिटिश के सबसे ज़्यादा दिल के करीब होते हैं, और चीज़ साथ में गार्लिक बटर, यार गार्लिक बटर जो मज़े करा रहा है, ओह हो 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 आ हा हा हा, कोर भाई बनाता हूँ मैं भाई, इसका टेस्ट जो है ना ओची टेस्ट है, मज़े का। अच्छा लोग आपसे पूछते भी कि आपने सॉल्ट एंड पेपर करवाने, तो ये भी करवा दें, मैंने करवाया सब में, और टेस्ट उसका बहुत इन्हेंस होता है, और यार बाकी में लोग ने स्पाइस बेस्ट जैकेट पोटैटो इन टाउन कहा, लेकिन टेस्ट तो है
आप बोलोगे बेग बीन्स में इतना खास क्या टेस्ट होता है यार, इतने मज़े के होते हैं, मुझे तो बड़े मज़े के लगते हैं। बाकी खैर दूसरे उस पर आ जाते हैं। ये हमारे पास है हनी चिली विद चीज़। यार ये हमने जैसे मैंने करवाया चिकन टिक्का, क्योंकि इंग्लैंड वाले जितने भी सारे भाई चिकन टिक्का के साथ बहुत ऑब्सेस्ड थे, हर चीज़ में उनको चिकन टिक्का चाहिए था। हमने सोचा थोड़ा सा हम भी कभी टेस्ट ले लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है। तो मैं फिर सोचा चिली को उनकाड़नी कर लूँ, लेकिन चिली को उनकाड़नी के पास हलाल नहीं था, मतलब जो चिली को उनकाड़नी में जो मीट वगैरह वो हलाल नहीं था, तो हमने फिर चिकन में यही करवा लिया। तो खैर इसको भी देखते हैं, इसको भी भाई नीचे से उठाऊँगा पूरी बाइट इसकी भी सही से। हाँ 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 हाँ, चिकन भी लगा लिया, चीज़ भी लग गई और साथ में पोटैटो भी, इसको डालेंगे मुँह में। ठंडा चिकन, इतना ठंडा चिकन है, तभी तो टेस्ट भी नहीं बना रहा भाई। ये वाला फारिग है हनी चिकन है, मतलब अगर हनी चिकन के शौकीन है तो करवा ले, लेकिन उनको बोलना यार वार्म करके दे दें। ये उन्होंने ठंडा मुझे पकड़ा दिया चिकन, मज़ा नहीं आया, उसको करते हैं भाई साइड पे। हाँ 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 हाँ, अब आ गया है भाई। भाई जो सेकेंड में कहता हूँ जो मोस्ट पॉपुलर मेरे नज़दीक जो टॉपिंग होती है ना जैकेट पोटैटो की, वो होती है टूना मेयो। टूना मेयो विद चीज़ मैंने करवाया है। वैसे मैं टूना का शौकीन हूँ, सिर्फ और सिर्फ वीडियो पर्पज़ के लिए आप लोगों के लिए खाता हूँ। वैसे मुझे टूना, अच्छा टूना ही मुझे ठंडा लग रहा है। ओ हो 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 हो, ये भी भाई एक डिसएडवांटेज है मेरे लिए। हाय 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 हाय, लेकिन भाई लेते हैं आपके लिए बड़ी बाइट। भले का बुरा नहीं है, और टूना भी इतना ठंडा नहीं है इसका, जबकि मैं उम्मीद कर रहा था कि ज़्यादा ठंडा होगा, लेकिन नहीं है। भाई मेरे लिए नॉर्मल है ये वाला, क्यों? क्योंकि मैं टूना इतना खास पसंद करता नहीं। जिनको पसंद है, मैंने देखा इसके इतने ज़्यादा शौकीन है टूना के, तो लोग खाते हैं पसंद करते हैं, लेकिन मुझे इतना खास पसंद नहीं आया, मुझे मज़ा नहीं आता इसका। मेरे लिए अभी भी जो फर्स्ट वाला है ना, ये वाला दिखाएं भाई, ये गार्लिक बटर विद बीन्स एंड चीज़, मेरे लिए अभी भी ये ओजी है और यही रहेगा। तो ये आ जाता है ये, हाँ 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 हाँ, स्पाइसी कोल्सलो, स्पाइसी कोल्सलो करवाया हमने, बीन्स करवाया, इसमें चीज़ नहीं है, तो भाई इसका भी अपना मज़ा होगा। ओए होए 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 होए, गर्म है भाई गर्म है, धुआँ निकले धुएँ निकले धुएँ निकले। ओए हो 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 हो, भाई कोल्सलो जो जाते हैं ना जैकेट पोटैटो के ऊपर, हाँ 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 हाँ, मज़े करा देता भाई। दिखाएँ बाइट दिखाएँ, कोल्सलो ऐसे नॉर्मल भी करा सकता है, लेकिन हम हैं देसी, हमने सोचा स्पाइसी करवा लें। हाँ 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 हाँ, गर्म है ये वाला, जबकि सबसे एंड में ट्राई किया सबसे ज़्यादा गर्म है, मज़े का भी बहुत है। चीज़ कराता तो शायद और ज़्यादा मज़ा कराता, लेकिन ओवरऑल कोल्सलो के साथ भी कम अच्छा नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ओजी ये अभी भी मेरे लिए ओजी यही है। तो भाई खैर खाना जाना तो हमने खा लिया, बाकी और फोड़म फाड़ी करते और आपसे मुलाकात करते हैं फिर बाहर। चले भाई फिर भाई खाना जाना खा लिया, मज़ा आ गया यार, अच्छे जगह पोटैटो बनाते हैं वाकई में, ये कह सकते हैं क्वालिटी और मतलब प्राइसिंग को भी देख लें तो ना बेस्ट इन द टाउन तो कह सकते हैं एक तरीके से। लेकिन हाँ थोड़ा उनको अपने मतलब चिकन विकन पे ये जो मेरे को ठंडा दे दिया था, इस पर मैं कहता हूँ काम करना चाहिए। बाकी खैर ओवरऑल तो क्वालिटी वगैरह तो ज़बरदस्त थी, बाकी खैर मज़ा आ गया भाई। आप भी जाएँ जैकेट पोटैटो शोटैटो खाएँ और अपने भाई को दे इजाज़त, और आपसे मुलाकात होती किसी नेक्स्ट वीडियो में। चले भाई फिर, ओके।